हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील सर आपके बीच में अब भारतीय संविधान की जो भी महत्वपूर्ण तथ्य संबंधी बातें हैं उनको एक शुरुआत करेंगे। ये पॉलिटी की पहली क्लास है मेरी आज, जिसके साथ मैं आप लोगों साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे जो भी आप कमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंग जितना अच्छा होगा उतना बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। इसमें एक छोटा सा टॉपिक लिया अपन ने, सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की कितनी संख्या है और कौन कौन सी महिलाएं बनी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में महिलाओं का सबसे बड़ा वर्चस्व है और अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले महिला लिए साहब हमने यहाँ पे फातिमा बीवी। इसका जो कार्यकाल देखने को मिला है अक्टूबर 89 से अप्रैल 1992 तक, और ये पूर्व में केरल उच्च न्यायालय के कह चुके न्यायाधीश। इसके बाद फिर बात करें साहब, ये प्रथम महिला न्यायाधीश का भी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, तो कौन सा नाम मिलेगा आपको, फातिमा बीवी का। फिर दूसरी महिला पर चर्चा करें जो दे रखी अपने यहाँ पे, सुजाता मनोहर। कौन सी महिला दे रखी है, सुजाता मनोहर, जिसका कार्यकाल नवम्बर 1994 से अगस्त 99 तक है। ये पूर्व में केरल उच्च न्यायालय के कह चुके मुख्य न्यायाधीश। और फिर बात करें यहाँ पे तीसरी महिला है आपके बीच में, रुमा पाल, जो जनवरी 2000 से जून 2006 तक ये भी कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुकी है। और एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है सबसे लंबा कार्यकाल वाली महिला जो न्यायाधीश है उसका क्या नाम है, यहाँ पे रुमा पाल, क्या नाम दे रखा है, रुमा पाल। फिर चौथी महिला के संदर्भ में चर्चा करे वो है आपकी ज्ञान सुधा मिश्रा। कौन से दे रखी है, ज्ञान सुधा मिश्रा, जिसका कार्यकाल अप्रैल 2010 से अप्रैल 2014, और ये भी झारखंड उच्च न्यायालय की कह चुकी है मुख्य न्यायाधीश। फिर बात करें साहब यहाँ पे जो पांचवी महिला है वो दे रखी है रंजना देसाई। कौन सी दे रखी है, रंजना देसाई, जिसका कार्यकाल सितंबर 2011 से अक्टूबर 2014 तक है, और ये भी बंबई न्यायालय में कह चुकी है न्यायाधीश। फिर बात करें साहब नंबर छह महिला है आर भानुमति, जिसका कार्यकाल अगस्त 2014 से जुलाई 2020, और ये भी झारखंड उच्च न्यायालय में क्या रह चुकी है मुख्य न्यायाधीश। फिर बात करें साहब नंबर छह पे आर भानुमति, इसके बाद नंबर सात इंदु मल्होत्रा, जो अप्रैल 2018 से मार्च 2021, और ये साहब उच्च न्यायालय की न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हुए ये कानून और न्याय मंत्रालय में उच्च स्तर की क्या रह चुकी है सदस्य है, और इससे डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के क्या बना दिया, महिला न्यायाधीश। फिर बात करें साहब यहाँ नंबर आठ इंदिरा बनर्जी, जो अगस्त 2018 से सितंबर 2022 तक है, और ये मद्रास उच्च न्यायालय के क्या रह चुकी है महिला न्यायाधीश। फिर बात करें साहब नंबर नौ हेमा कोहली, जो प्रेजेंट टाइम में भी है अगस्त 2021 से सितंबर 2024 तक है, और ये तेलंगाना उच्च न्यायालय की कह चुकी है मुख्य न्यायाधीश। फिर नंबर 10 बेला एम त्रिवेदी, जो प्रेजेंट टाइम में भी है अगस्त 2021 से जून 2025 तक, और ये भी गुजरात उच्च न्यायालय में कह चुकी है यहाँ पे न्यायाधीश। फिर लास्ट में बात करें बीवी नागरत्ना, जो अगस्त 2021 से अक्टूबर 2027 तक, और एक कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी यानी मान रखा है, वो कौन बनेगी, वीवी नाग रत्ना। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के महिला न्यायाधीशों के संदर्भ में चर्चा की है साहब हमने। पहली महिला थी यहाँ पे फातिमा बीवी, दूसरी देर की सुजाता मनोहर, तीसरी रुमा पाल, चौथी ज्ञान सुधा मिश्रा, पांचवी रंजना देसाई, और नंबर छह आर भानुमति, नंबर सात इंदु मल्होत्रा, नंबर आठ इंदिरा बनर्जी, नंबर नौ हेमा कोहली, नंबर दस बेला एम त्रिवेदी, और नंबर ग्यारह बीवी नागरत्ना। देखो यहाँ से काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नहीं रही है, क्योंकि आजकल महिलाओं से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपन सोचते हैं कि पहली और लास्ट महिला से हमारा काम चल जाए साहब, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, हमको सारी महिलाओं के नाम याद करने पड़ेंगे यहाँ पे, जिसमें पहली महिला दे रखी है फातिमा बीवी, दूसरी दे रखी है सुजाता मनोहर, तीसरी रुमा पाल, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है साहब का, सबसे लंबा कार्यकाल वाली जो महिला न्यायाधीश है वो कौन सी दे रखी है आपकी, रुमा पाल, नंबर चार ज्ञान सुधा मिश्रा, पांच रंजना देसाई, नंबर छह आर भानुमति, नंबर सात इंदु मल्होत्रा, नंबर आठ इंदिरा बनर्जी, नंबर नौ हेमा कोहली, नंबर दस बेला एम त्रिवेदी, और नंबर ग्यारह बीवी नागरत्ना।
देखो ये मेरा जो YouTube चैनल है आप सभी के सामने वो बना है पॉलिटी विद सुशील सर के नाम से हैं। और उसकी ये पहली क्लास शुरुआत है और डेली इसी प्रकार से कोई ना कोई टॉपिक के संदर्भ में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और अच्छा सा अच्छा प्रयास है कि पॉलिटिक्स संबंधित जितनी भी बातें हम सीख नहीं पाते, देख नहीं पाते, उनको इसके माध्यम से आज हम लोगों ने इसकी यहाँ पे शुरुआत करी है साहब।